कहाँ से मारा? मार्क करो। अच्छा मर गया। गाइज वीडियो की बात करने से पहले मुझे एक चीज बताओ भाई, तुम्हें हैकर्स मिल रहे कि नहीं मिल रहे? भाई मुझे तो बहुत ज्यादा हैकर्स मिल रहे क्लासिक में, और इन हैकर्स की वजह से ना तो रैंक पुश हो पा रही है, ना ही भाई केडी मेंटेन हो पा रही है। मैं लिटरली ड्रैगन बॉल विलेज पे उतरता हूँ ना, तो या तो गन नहीं मिलती है, और अगर गन मिलती है ना तो भाई हैकर्स मिल जाते हैं। यही हो रहा है और आपके साथ भी यही चीज हो रही है, तो भाई कॉमेंट करके बताओ। ये सीजन तो बहुत गंदा जाने वाला है हैकर की वजह से। बाकी बात करें गाइज आज की वीडियो की, तो आज की वीडियो में जो है बात करेंगे भाई, अगर तुम नॉन जायरो प्लेयर हो ना तो किस तरीके भाई तुम अपना क्लोज रेंज इंप्रूव कर सकते हो, एंड कुछ टिप्स एंड ट्रिक भी देने वाला हूं क्लोज रेंज के लिए, जो कि नॉन जायरो प्लेयर्स को काफी ज्यादा हेल्प करेगी। तो वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो के एंड में गाइस क्लोज रेंज के लिए कुछ ड्रिल्स बताने वाला हूं, तो अगर तुम नॉन जायरो प्लेयर हो ना तो भाई वो बिल्कुल मिस मत करना। बाकी गाइस वीडियो को करते स्टार्ट। तो गाइस अगर तुम नॉन जायरो प्लेयर हो ना और अगर तुम्हें क्लोज रेंज इंप्रूव करना है, तो भाई उसके लिए तुम्हें अपनी सेंसिटिविटी अच्छी करनी पड़ेगी, एंड उसको कैसे अच्छी करना है वो बताता हूँ सबसे पहले आपको। सो गाइस सेंसिटिविटी जमाने से पहले ना सेंसिटिविटी वर्क कैसे करती है वो आपके लिए जानना जरूरी है। तो भाई उसके लिए आपको अपनी सेंसिटिविटी में जाना है, और सबसे ऊपर टीपीपी नो स्कोप है ना कैमरा सेंसिटिविटी में, तो इसको आपको ना जीरो कर देना है, और फिर आप देख पाओगे कि भाई आपका क्रोसेयर है ना बिल्कुल मूव नहीं करेगा। मैं बहुत ज्यादा ड्रैग कर रहा हूं फिर भी मेरा क्रोसेयर लेफ्ट राइट नहीं हो रहा है, तो भाई इससे ये जाता है कि ये सेंसिटिविटी भाई आपके क्रोसेयर को कंट्रोल करती है, एंड क्रोसेयर ही भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्लोज रेंज को इंप्रूव करने के लिए, तो इस सेंसिटिविटी को सेट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई सबसे पहले आपको सेंसिटिविटी जमाना है ना, तो आपको क्या करना है गाइस, आपको अपनी सेंसिटिविटी में जाके भाई अपनी सेंसिटिविटी को 80 कर देना है। लाइक यहां पे मेरी 87 है, तो मैं यहां पे 80 कर देता हूं, और फिर भाई आपको सामने डमी कैरेक्टर दिख रहा है ना, इस पे एम ट्रांसफर करना है। अभी गाइस जब आप एम ट्रांसफर करोगे ना, तो आपका क्रोसेयर अगर पीछे रह जाए तो भाई आपको अपनी सेंसिटिविटी को प्लस करना है। तो यहाँ पे मेरा क्रोसेयर कैरेक्टर से थोड़ा सा पीछे रह जा रहा था, तो यहाँ पे मैं 10 प्लस कर लेता हूँ, एंड अगर आपका क्रोसेयर कैरेक्टर से भाई आगे चले जाता है तो आपको अपनी सेंसिटिविटी माइनस करनी है, एंड कुछ इस तरीके से भाई जब तक आप हेड टू हेड ट्रांसफर नहीं कर पाओ अपना एम, तब तक भाई अपनी सेंसिटिविटी को जमाते रहना है। और भाई जब आप अपना हेड टू हेड एम ट्रांसफर कर पाओ, तब भाई आपको समझ जाना है कि आपको अपनी सेंसिटिविटी मिल चुकी है। एंड गाइस ये सेंसिटिविटी ना भाई स्टार्टिंग में परफेक्ट वर्क नहीं करने वाली है, आपको इसके लिए थोड़ी ड्रिल्स भी करनी पड़ेगी, तब जाके भाई आप अपना परफेक्ट हेड टू हेड एम ट्रांसफर कर पाओगे, तो वो ड्रिल्स मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। बाकी चलते भाई नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो गाइज अब हम बात करेंगे तुम्हें एनिमी के सामने मूवमेंट कौन सी देनी है। अगर गाइज तुम नॉन जायरो प्लेयर हो और एनिमी के सामने जाके भाई तुम जिगल देते हो, तो यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक तुम करते हो। गाइज जायरोस्कोप में ना भाई जिगल के साथ क्रोसेयर को संभालना काफी ज्यादा आसान है, बट वहीं पे गाइज अगर तुम नॉन जायरो प्लेयर हो तो भाई जिगल के साथ क्रोसेयर को संभालना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है नॉन जायरो प्लेयर्स के लिए। फिंगर से भाई ड्रैग नहीं कर पाओगे इतना फास्ट तुम लेफ्ट राइट, तो भाई ऐसे में भाई तुम्हें जिगल नहीं देना है, सिंपली भाई तुम्हें लेफ्ट राइट मूवमेंट देनी है, मतलब एक तरफ कहीं पे भी जाते जाते तुम्हें मूवमेंट देनी है, एंड कुछ इसी तरीके से भाई तुम्हें एनिमी को मारना है, एक साइड ही मूवमेंट देनी है, या फिर भाई तुम प्रोन एंड शूट यूज कर सकते हो, मतलब कुछ इस तरीके की मूवमेंट तुम्हें यूज करनी है जिसमें भाई तुम्हारा क्रोसेयर ना लेफ्ट राइट ज्यादा ना हो आपकी बॉडी के साथ। लाइक प्रोन एंड शूट की जगह अगर तुम क्राउच एंड शूट यूज करोगे ना, तो यहाँ पे तुम्हारा क्रोसेयर है ना बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होगा, एंड उसी वजह से भाई तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। तो यहाँ पे तुम्हें मूवमेंट ऐसी देनी है जिसमें भाई तुम्हारा क्रोसेयर ऊपर नीचे लेफ्ट राइट ज्यादा ना हो, एंड फिर भाई आप बहुत ज्यादा आसानी से एनिमी को ट्रेस कर पाओगे। सो गाइज अब हम बात करेंगे टीपीपी एडवांटेज की। गाइज अगर तुम नॉन जायरो प्लेयर हो ना, तो यहाँ पे तुम्हें एनिमी पे रश नहीं करना है। लाइक तुम्हें अगर एनिमी से 1v1 फाइट लेनी है ना, तो यहाँ पे तुम्हें रश नहीं करना है, क्योंकि रश करते टाइम भाई क्रोसेयर एनिमी पे रखना काफी ज्यादा मुश्किल होता है नॉन जायरो प्लेयर्स के लिए, और ऐसे में भाई अगर एनिमी ने तुम्हें सरप्राइज अटैक दे दिया तो तुम उस पर क्रोसेयर नहीं ले जा पाओगे और एनिमी तुम्हें इजिली मार देगा। सो गाइज इन सब चीजों से बचने के लिए तुम्हें टीपीपी का यूज करना है, और एनिमी जैसे ही आपके सामने आए टीपीपी से निकलो और इजिली उसको मार दो। तो गाइज इस चीज का आपको जरूर से ध्यान रखना है 1v1 फाइट लेते टाइम। एंड गाइस यहां पे तुम्हें एक और चीज मैं बता देता हूं, नॉन जायरो प्लेयर्स को ना शॉटगन चलाना काफी ज्यादा आसान होता है भाई एआर के मुकाबले, और अभी के टाइम पे तुम्हें पता है भाई क्लोज रेंज में शॉटगन कितनी ज्यादा ओवरपावर्ड है, तो यहां पे तुम शॉटगन का भी यूज कर सकते हो क्लोज रेंज में फाइट लेते टाइम। लाइक गाइस जब तुम एआर गन से फाइट लेते हो ना, तो आपके सामने एनिमी जिगल करता है और तुम फिर उसे ट्रेस करते हो, जब जाके एनिमी मरता है, बट शॉटगन से भाई तुम एक शॉट देके एनिमी को इजीली मार सकते हो, और यहां पे भाई विदाउट जायरोस्कोप जिगल को ट्रेस करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, बट तुम एक शॉट में भाई एनिमी को इजीली मार सकते हो, तो भाई तुम्हें शॉटगन का यूज काफी ज्यादा करना है।
सो गाइज अब मैं आपको दो ड्रिल्स ऐसी बताने वाला हूँ जो कि भाई नॉन जायरो प्लेयर्स को काफी ज्यादा हेल्प करेगी क्लोज रेंज को इम्प्रूव करने के लिए। बट गाइज उससे पहले अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख ली तो इसका मतलब है तुम्हें वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को फटाक से लाइक कर दो अभी तक लाइक नहीं किया तो, और सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो यार। बाकी चलते हैं गाइज ड्रिल्स की तरफ। सो गाइज फर्स्ट ड्रिल करने के लिए तुम्हें इन कैरेक्टर के सामने आना है और भाई कुछ इस तरीके से भाई इन पे एम ट्रांसफर करना है। इस ड्रिल से भाई आपको एम ट्रांसफर करना आ जाएगा और आपकी क्रॉस हेयर प्लेसमेंट काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। और भाई सेकंड ड्रिल आपको कुछ इस तरीके से करनी है, सामने वाले कैरेक्टर पे ना मारते मारते एक साइड वाली मूवमेंट देनी है, लाइक लेफ्ट मूवमेंट देनी है फिर राइट मूवमेंट देनी है। और भाई इस ड्रिल को करने के बाद ना आपकी ट्रेसिंग काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। जब भाई आपके सामने बंदा आएगा ना क्लोज रेंज में तो आप उसको इजिली ट्रेस कर पाओगे, तो इस ड्रिल को अभी आपको कर लेना है। और गाइज यहाँ पे ना एक चीज मैं पहले ही बता देता हूँ, ये ड्रिल्स ना मैं तो खुद जायरोस्कोप की मदद से कर रहा हूँ क्योंकि मैं नॉन जायरो प्लेयर नहीं हूँ, बट आपको ये ड्रिल बिना जायरोस्कोप से करनी है एंड फिर आपका गेम प्ले ना बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा क्लोज रेंज में। और गाइज यहाँ पे ना नॉन जायरो प्लेयर्स के लिए जितने भी टिप्स एंड ट्रिक थी ना सारा कुछ जो है मैंने बता दिया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक वाला बटन सब्सक्राइब वाला बटन जरूर से दबा देना। बाकी गाइज मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गाइज गुड बाय।